दमोह में मेडिकल कॉलेज की हुई थी घोषणा, नहीं हुई अभी तक पूरी। विधायक अजय टंडन ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है घोषणा भी। खाद और बीज की समस्या को लेकर किसान हो रहे हैं परेशान। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस निकाल रही है जन जागरण यात्रा। नगरीय निकाय और साथ में पंचायत चुनाव को टालने का प्रयास, लगाए गंभीर आरोप अजय टंडन ने और कांग्रेस के नेताओं ने। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित होने की घोषणा की गई थी, भूमि पूजन भी हुआ था और एक लंबा समय बीत चुका है। अभी हाल ही में जिन मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हुई है, जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें दमोह का नाम ना होने से दमोह के विधायक अजय टंडन ने मुख्यमंत्री को घोषणा वीर बताते हुए कहा है कि दमोह में मेडिकल कॉलेज अति आवश्यक था, परंतु जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दो हेलीकॉप्टर लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चलते थे, एक में नारियल होता था और एक में वो स्वयं चलते थे। जहां मन करता था नारियल फोड़ते थे, शिलान्यास करते थे और घोषणा करके आगे बढ़ जाते थे। और यही हाल हुआ है मध्य प्रदेश के दमोह में। भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद वह दमोह के लोगों से बदला ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनहितैषी कार्य ना करके यहाँ बदला लेने का कार्य कर रही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। दमोह विधायक अजय टंडन ने कहा है कि किसानों की समस्याओं की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। मध्य प्रदेश सरकार लापरवाह है और किसान हितैषी नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव और साथ में पंचायत चुनाव को टालने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इसी दौरान दमोह कांग्रेस के अध्यक्ष मनु मिश्रा ने भी बात रखते हुए गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, और पत्रकारों के समक्ष उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हम आपको लेकर चलते हैं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, जहां संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं दमोह के कांग्रेस के अध्यक्ष मनु मिश्रा। आज सुन गई है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम जनता को संदेश भी देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं कि उनने यहाँ पे नारियल फोड़ दिया, भूमि पूजन कर दिया और उसके बाद राशि आवंटन में दमोह का नाम नहीं आया। उसका कारण क्या है? हम दमोह की जनता आपसे प्रश्न पूछना चाहती है कि अभी चुनाव आएंगे तो फिर आके आप भाषण बोलोगे नहीं, अब अगले बार देंगे तो अगले बार मौका भी नहीं मिलना है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे आदरणीय विधायक जी आपको संबोधित करें। आप यहाँ सभी लोग आए, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारी कल जन जागरण यात्रा चालू होगी उसमें आप लोग सम्मिलित हों और जो गांव की समस्या है उससे आप लोग भी रूबरू हों। कहीं पेंशन नहीं मिल रही, कहीं बिजली नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर जले हैं, कहीं लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का, इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय। और वहीं दूसरी ओर अब हम सुनवाते हैं दमोह के विधायक अजय टंडन को। अजय टंडन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने घोषणा वीर बताया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। क्या कहते हैं वो मेडिकल कॉलेज के संबंध में, सीटी स्कैन मशीन के संबंध में, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दो हेलीकॉप्टर लेकर चलते, एक में नारियल रखते थे, एक में खुद चलते। जहां मन में आया नारियल फोड़ दिया और घोषणाएं करती। करोड़ों रुपए की घोषणाएं दमोह उपचुनाव के लिए, दमोह के उपचुनाव में हुई थी। उसमें मेन बात थी कि दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कि 6 जिलों का नाम है, मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, लेकिन दमोह का नाम कहीं भी नहीं। यह दमोह की जनता के साथ छलावा, यह जनता दमोह की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा। किसानों के मुद्दे में अजय टंडन का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है, किसान हितैषी सरकार नहीं है।
जिस प्रकार खाद बीज को लेकर अभी बीच में काफी मारामारी हुई और उसको लेके आप लोगों का क्या रुख है, क्या स्थिति है? खाद बीज को लेकर जो मारामारी हुई आपने देखा होगा, हम लोग हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण लोग, अध्यक्ष लोग, किसान कांग्रेस के लोग, सभी लोगों ने जाके मोर्चा संभाला और इस बात को लेकर मोर्चा संभाला कि खाद दी जाए। लेकिन बात ये देखने में आई कि ये मध्य प्रदेश शासन का काम था कि वह खाद की उपलब्धता का करा, अगर पहले उपलब्धता करा दे तो ना लाइन लगेगी ना वो होगा, किसानों की जमीनें सूख गई। अब किसान पानी देकर बोनी कर रहा, कोई व्यवस्था ही नहीं है, बड़े आदमियों की सरकार है, कालाबाजारी हो रही है, खाद उपलब्ध है 1200 रुपए की बोरी, 1800 में, 2000 रुपए में ब्लैक में बिक रही है, आप खाद ही नहीं दे रहे हो तो बटेगी कहाँ से, मिलेगी कहाँ से? मीलों मीलों की लाइनें लगी हैं और एक वही पर 4 बोरी खाद मिल रही है, 2 बोरी खाद मिल रही है, किसी को तो एक ही बोरी मिल रही है, हमें जरूरत है 10 बोरी की, आप दे रहे हो 1 बोरी। आप समझिए ये कितना बड़ा छलावा है। पंचायत चुनाव और साथ में नगरी निकाय चुनाव के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में अजय टंडन ने कहा कि पंचायत चुनाव हो और या नगरी निकाय चुनाव हो, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार चुनाव चाहती ही नहीं है। विधायक जी, नगरी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव लगभग अभी ऐसी स्थिति में तो दिखलाई दे रहे हैं कि सरकार टालने का प्रयास कर रही है, पर कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। सरकार ने 2014 का आरक्षण करके सरपंच से लेकर पंच से लेकर सबके लिए एक रास्ता खोल दिया कि आप जाइए हाईकोर्ट, स्टे ले आइए, ताकि हम कह देंगे कि अब तो हाईकोर्ट से स्टे है, ये भाजपा के कारनामे। 2014 का आरक्षण लगाने का कौन सा औचित्य? 2014 के आरक्षण पे अगर चुनाव ना हुआ तो आप वो आरक्षण लागू करा देते, बैकलॉग भर लेते। आप 2014 के आरक्षण पे चुनाव करा चुकी हैं एक बार, अब आप कहते हैं हम 2014 के आरक्षण पे फिर से चुनाव कराए, क्या बात है, ये कौन सी बात है? तो फिर ये नया आरक्षण हमारी सरकार ने किया 2019 में, यानी 2019 के उस पर चुनाव होगा ना, तो उसी आरक्षण को लागू करने में कौन सी कठिनाई है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाजपा व्यक्ति विशेष को महत्व देना चाहे, अपने ही गुर्दों को वहां बिठाना चाह रही जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। कराइए आप अभी इस आरक्षण, जो आरक्षण हुआ उस पर चुनाव क्यों नहीं कराते? आप कराना ही नहीं चाहते, आप खुद वो रास्ता बता रहे हो कि हमें चुनाव कराना नहीं है, तुम हाईकोर्ट चले जाओ और उसकी ले आओ, ताकि हमको कहने हो जाए कि अब तो हाईकोर्ट से स्टे है चुनाव के। चुनाव कराना है तो कराइए ना, डर किस बात का है? वो तो ये उपचुनाव भी करा दिए विधानसभा के, क्योंकि ऊपर से डंडा था कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ, नहीं तो ये चुनाव भी नहीं होते। इनका मन चले, इनका बात चले, तो ये तो विधायक भी नॉमिनेट कर दे कि फलाने विधानसभा का फलाना विधायक, ढंग की लोकसभा का फलाना लोकसभा का विधायक। गंभीर आरोप है, आरोप लगाए गए हैं मेडिकल कॉलेज ना खुलने को लेकर, गंभीर आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन अभी तक ना लगने पर, और साथ में किसानों के अलावा पंचायत और नगरी निकाय चुनाव को टालने में एक प्रकार की योजना है, सरकार नहीं चाहती है कि ये सब कुछ हो, दमों के लोगों से बदला लिया जा रहा है, इस प्रकार के गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.